सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स को लेकर। तो आप सभी को तो पता ही है भाई, टाटा मोटर्स आने वाले दिनों में क्या कारनामा करेगा, सब कुछ हम डिटेल्स के साथ इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो आज है 1 सितंबर, यानी कि आप सभी को पता है आज है संडे 1 सितंबर, और आने वाला मार्केट यानी कि 2 सितंबर सोमवार की बात हम कर रहे हैं। तो सोमवार में क्या टाटा मोटर्स हम लोगों को फिर से एक बार अच्छा खासा तेज़ी में आएगा या फिर से डाउनफॉल की तरफ जाएगा, सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आप सभी को तो पता है कि भाई शुक्रवार मार्केट यानी कि लास्ट टाइम एंडिंग टाइम पे 3 बजे मार्केट में ऐसा बहुत बड़ा एक हलचल हुआ है कि हर एक स्टॉक को थोड़ा नीचे की तरफ मूवमेंट करते हुए उसने धकेल दिया नीचे की तरफ। ठीक है, तो बहुत सारे जितने भी कमज़ोर स्टॉक थे तो वो क्या हुआ, नीचे की तरफ मूवमेंट ओके नीचे की तरफ ही रह गए। लेकिन भाई आप सभी को तो पता ही है कि भाई ये टाटा मोटर्स है, बहुत बड़ी इनका मार्केट कैप्चर है। तो देखिए आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं 3 बजे इसने तो नीचे की तरफ मूवमेंट किया है। आप देख सकते हैं एकदम पूरा करेक्ट टाइम है 30 अगस्त 2024 15, यानी कि 3 बजे ये नीचे की तरफ गए थे, लेकिन फिर से ये एक बार बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है। सो भाई आप लोग एक बात तो समझ लीजिए कि भाई मार्केट में अगर कुछ भी हो जाए लेकिन टाटा मोटर्स को कोई भाई डाउन नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि टाटा मोटर्स भाई अपने आप में ही शेयर है। तो इसलिए कहता हूँ भाई, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो भाई सही स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। देख सकते हैं जैसे टाटा मोटर बहुत बढ़िया स्टॉक है भाई, आने वाले टाइमों में आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर से दे सकता है। तो भाई आने वाले टाइम यानी कि आपको कितने दिन के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए सोचते हैं तो आपको 3 से 5 साल के लिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और अगर आप सोचते हैं कि नहीं भाई मैं लॉन्ग टाइम के लिए करूँगा, तो भाई लॉन्ग टाइम के लिए बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टाइम के लिए तो आप 3 से 5 साल, और अगर आप शॉर्ट टाइम्स के लिए करना चाहते हैं तो भाई आप हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कीजिए। क्योंकि भाई अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे तो आप शॉर्ट टाइम में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर। ठीक है, और देखिए हमारे जितने भी वीडियो होते हैं ना, सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आने वाले दिनों में आप सभी को तो पता ही है भाई कि आने वाले दिनों में आप सभी को बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है इस स्टॉक के अंदर। तो भाई दिल थाम के बैठ जाओ, ठीक है, और टाटा मोटर्स आप सभी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है। और आप सभी को तो पता ही है भाई टाटा मोटर्स का DBR एक शेयर है, DBR वर्जन, उसमें ये बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है भाई। सो जितने भी हमारे इन्वेस्टर है भाई, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, सो वीडियो अंत तक देखने के लिए और विदाउट एनी स्किप करके फुल एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आने वाला मार्केट बहुत अच्छा जाएगा। अगर भाई सोमवार मंगलवार मार्केट में कोई हलचल नहीं दिखता है, कोई पॉजिटिव मूवमेंट नहीं आता है, तो भाई आप थोड़ा पेशेंट रखिएगा, क्योंकि इस वीक में इन स्टॉक में 4 चांद लगने वाला है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।